वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरी और एक वीडियो पे और एक ब्लॉग पे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप लोग का आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। और जो जो गर्ल्स है आज तो वो लोग का स्पेशल डे है क्योंकि सबको आज साड़ी पहन के एकदम पूरा निकलने वाली है। तो स्पेशली गर्ल्स लोगों को हैप्पी सरस्वती पूजा, बॉयज लोगों को भी सरस्वती पूजा, सबको हैप्पी सरस्वती पूजा मेरे तरफ से। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से एकदम आज का दिन को एंजॉय करोगे। आज मैं भी एंजॉय करने वाली हूँ। आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। अभी मैं जस्ट नहा के निकली हूँ, देख के ही पता चल रहा है। अभी जस्ट नहा के निकली, इतना सुबह मैं नहाती नहीं हूँ लेकिन आज मैं नहाई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत ज्यादा काम है क्योंकि मेरा नीचे यहाँ पूजा पंडाल पंडाल बनता है। तो फिर इतना जल्दी तो नहाना ही पड़ेगा, नहीं नहाएंगे तो फिर कैसे टाइम टू टाइम पूजा वूजा कुछ नहीं होगा। तो इतना सुबह सुबह आज मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तैयार नहीं हुई हूँ, नहा के तैयार हो गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है आठ बज रहा है, सिर्फ आठ बजे हम पूरा रेडी। सोचिए घर का सब काम कर लिया मैंने, तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैं बाल थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, फिर मैं जो मतलब कुछ कुछ जो नीचे देना है वो सब चीज़ को मैं प्रिपेयर कर लूँगी। एक ये मैं सजा लूँगी वो सब चीज़ को, जो भी मतलब नीचे पूजा के लिए भेजा जाएगा वो सबको मैं एक उसको क्या बोलते हैं पीतल का, उसमें हम सजा लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और मतलब जो भी पूजा वूजा करने का है पापा भी करेंगे सब कुछ करेंगे। तो वो सब चीज़ को मैं सरिया दूंगी और सरियाने के बाद फिर मैं तैयार होंगी और तैयार होने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सारा चीज़ सब कुछ। तो अभी मैं ऐसी हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे मेरे को और एक लुक पे। तो कौन कौन एक्साइटेड है और आप लोग जरूर बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। अभी नहीं, अभी तो मैं ऑब्वियसली खराब लग, इसके बाद अलग क्लिप में इधर जब आप देखेंगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा, मतलब तब आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? थोड़ी देर बाद हम आप लोग से मिलते हैं। तो अभी हम बहुत हड़बड़ी में हम ब्लॉग शूट करना ही भूल गए। हम नीचे गए थे, नीचे जाने के बाद नीचे से फिर वहाँ मास्टर अंकल मेरे को मेरे सोसाइटी में जो काम था वो सब काम दे दिए। फिर काम देने के बाद हम भूल गए। देखिए हम साड़ी पहन लिए जैसे तैसे हड़बड़ी में, बहुत जल्दी जल्दी में। कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। हम कुछ भी नहीं किए, देखिए आईलाइनर नहीं, पाउडर नहीं, कुछ नहीं लगाया है। तुम मेरी मम्मी बोले जाओ ना रही। एकदम हड़बड़ी में पूरा कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। अभी जाके सब फल उल काटे हैं, आपको क्लिप में दिखा होगा कि कितना सारा यहाँ पर फल उल बटा, प्रसादी बटा, सब काम करते करते पूरा थक गए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और हम आप लोगों को नीचे भी दिखाएंगे। और आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए तो हे गाइज, अभी मेरा लुक चेंज हो गया। हम उतना देर तैयार अच्छा से नहीं हुए थे और अभी हम एकदम अच्छा से तैयार हो गए। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा दिशा का घर और थोड़ा घूमी घूमी करने के लिए। देखिए और मेरी मम्मी मेरे को रेडी की, मेरी मम्मी ऐसी वहाँ पे है, हमें वाला साड़ी पहनेंगे, वो वाला पहनेगी मम्मी। और हम तो पूरा रेडी हो गए हैं, देखिए पूरा दिशा यहाँ पर रेडी हो रही है। हम पूरा रेडी हो गए हैं, बस बाल थोड़ा सा सूख जाए फिर बिंदिया लगा वो देखा ना सही बिहार घर जम दिए चुली नो। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा कमेंट देखना। हाँ बिंदी लगा लेने से और ज्यादा अच्छा लग रहा ना, देख दिशा हेयर स्टाइल हम कुछ और करेंगे, अभी तो भींगा हुआ पूरा। तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद। तो अभी हम लोग आए हैं सोसाइटी के नीचे, हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं दिशा का घर और हम आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाते हैं मेरा सोसाइटी का लोकेशन थोड़ा सा। ये है पंडाल यहाँ का। तो आप लोग देखा मेरा सोसाइटी का पूजा पंडाल। अभी हम लोग जा रहे हैं दिशा का घर, थोड़ा सा ऐसे इधर उधर घूमेंगे रोड में, गोलगप्पा वप्पा कुछ अगर खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो शाम में फिर निकलेंगे। अभी ऐसे ही जा रहे हैं इसका घर घूमने के लिए।
फिर जाएंगे अंशु के पास फोटोशूट करने के लिए, वहां पे तो फिर हम जाएंगे अंशु के पास फोटोशूट करने के लिए, वहां कैमरा मंगवाई अंशु, तो हम जाएंगे फोटोशूट करने के लिए कदमा लिंक रोड। ये तो नहीं आ रही है, हम जाएंगे तो बने रहिए और देखते रहिए। बहुत मतलब ऐसे संभाल संभाल कर दिक्कत हो जा रहा मेरा तो, साड़ी पहनना इज नॉट इजी डेली। देख लीजिए किसी को भी अगर ये लड़की पसंद है तो शादी के लिए संपर्क हम लोग शादी करवाने के लिए रेडी है लड़की का। नहीं हम नहीं रेडी, जो शादी करने वाली वो नहीं रेडी। तुमको जबरदस्ती बैठाया जाएगा। आई होप गाइज कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आज एक ट्रांजिशन वीडियो भी बनाया है, उसको हम डालेंगे इसके बाद वाला क्लिप में, आप लोग देखिएगा। उसमें साउंड म्यूट कर देंगे, ऐसे ही डालेंगे। हाँ तो हम लोग आ गए रोड में एकदम, थोड़ा जा रहा ऑटो बैठेंगे, बहुत दूर उसमें तो चल नहीं पाएंगे। हम लोग बैठ गए ऑटो में, हम लोग जा रहे हैं मानगुल के पास उतरेंगे, मिलते हैं सुबह बाद। तो हे गाइस हम आ गए हैं वहां से दिशा को छोड़ के अपना घर, और दिशा अभी रेडी हो रही है, फिर से दूसरा साड़ी पहन रही है, अभी हम भी जा रहे हैं दूसरा साड़ी पहनेंगे। और यहाँ पे हम लोग अभी आज हम लोग फलहारी में हैं, एकदम रात में खाना खाएंगे। एक बार हम लोग का प्रोग्राम हुआ था कि हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए मतलब दिन में, लेकिन फिर सोचे कि नहीं आज थोड़ा सा कर लेते हैं, जब सुबह से कुछ नहीं खाए इतना देर तक तो थोड़ा देर और। देखिए मेरी मम्मी इधर, मेरे पापा, हाय बोलिए सब कोई। हाय। मेरी मम्मी घर में सिंपल ही रहती है, लेकिन जब सजती है तो एकदम पूरा। और आप लोग आज का दिन कैसे कैसे सेलिब्रेट किया आप लोग जरूर बताइएगा, और हम साड़ी पहने कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। हाँ जो अच्छा लगेगा वो भी कमेंट कीजिएगा, जो खराब लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे तो भी कमेंट कीजिए, खराब लग रहे तो भी कमेंट कीजिए। और अभी हम जा रहे हैं दूसरा साड़ी पहनेंगे, अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ से, मतलब हम लोग का जो यहाँ सुमन होटल और यहाँ से जो हम लोग का स्कूल है ब्लू बेल्स, वहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे, फिर हम लोग घूम के आएंगे। जा रहे मेरी क्लास की लड़की लोग सब आएगी, उन लोग से मिलेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हे गाइस ये रहा मेरा इवनिंग का लुक, सब कुछ सेम है बस साड़ी चेंज है। तो अभी आ रही है दिशा, हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बाहर ऐसे घूमने इधर उधर, थोड़ा सा ऐसे भी सरस्वती पूजा तो सब इधर उधर होते ही है। तो ये रहा मेरा फुल लुक, देखिए अभी हम पहन लिए येलो कलर का साड़ी, हमको एक्चुअली में ऐसा सिंपल साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आ गई देखो बहुत वाह। तो ये देखिए दिशा आ गई और हम लोग फिर से निकल गए, उस टाइम हम इसको छोड़ के फिर घर आ गए थे, कहीं गए नहीं, थोड़ा सा फोटो शूट करवाए थे और कुछ नहीं। और फिर अभी हम आ गए हैं और हम और दिशा भी थोड़ा ऐसे इधर उधर थोड़ा सा चहल पहल होंगे, देखते हैं किधर जाते हैं, कुछ अभी तक डिसाइड नहीं है हम दोनों का, देखते हैं। और हम अपना ड्रेस चेंज कर लिए, वो भी चेंज कर लिए, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है लेकिन मेरे ज़्यादा, हम तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे थे। तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अगर कुछ कहीं जाते हैं तो हम लोग आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करेंगे। बाय। देखिए यहाँ पे सब लड़की लोग कैसे घूम रही है साड़ी पहन पहन के, देखिए सब अभी शाम तक घूमेगा एकदम 8 बजे तक। तुम तो खाना खाइए ना, कमेंट करके जरूर बताइए कि हम
ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है, इतना भीड़ है। हम लोग आ गए यहाँ का मंदिर में और देख रहे हैं यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा ज्यादा फोटो शूट करेंगे। देखिए दिशा, अभी हम थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे, चलो उधर चलते हैं, थोड़ा उधर जाते हैं तो फोटो वोटो खिंचाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। चलो थोड़ा फोटो खिंचाने के बाद बात करते हैं। हे गाइस, हम घूम के आ गए हैं, हम वहाँ पर क्या बोलते बोलोगे पबी खाए, लेकिन इतना भीड़ था ना, इतना भीड़ की मत पूछिए, हम मतलब व्लॉग बना ही नहीं पाए, इतना भीड़, मतलब बहुत भयानक टाइप का भीड़। मंदिर में भी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कितना ज़्यादा भीड़ था। अभी हम घर जा रहे हैं और हम अकेले पड़ गए हैं, दिशा उधर, दिशा चल गई पैदल पैदल, हम इधर आ गए पैदल पैदल, अकेले बहुत अजीब लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना इतना अकेले अकेले इतना सज धज के घूमना। तो अभी हम जा रहे हैं घर, पहुँच ही गए हैं बस थोड़ा सा और, तो चलिए पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं, मतलब मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा देर में, बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो हे गाइज, मैं आ चुकी हूँ घर और आप लोग देखे कि हम कहाँ मंदिर गए थे, और जो भी आज हम जो भी ब्लॉग बनाए सब आप लोग देखे कि हम क्या क्या किए, कौन सा साड़ी पहने और क्या किए। और हम वहाँ पे गोलगप्पा खाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा, इसलिए हम वहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, बहुत भीड़, इतना भीड़ कि आप लोगों को हम क्लिप में दिखाएं, इतना भीड़ था, मतलब लड़की लोग ऐसा लग रहा पूरा तो मेला में निकली है दुर्गा पूजा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो डू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो जो मेरे चैनल पे न्यू है आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि मेरा दोनों साड़ी में से किस में हम ज़्यादा, येल्लो वाला या रेड वाला, मतलब यही, हाँ येल्लो या रेड, दोनों में से कौन सा मैम अच्छे लग रहे थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं, और जो जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। बाय।